आम जनमानस की खबर कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों के न्यूज से तिलमिलाई नगर सेना पीताम्बर यादव उनके एक साथी जो देश के प्रधानमंत्री तक को गाली गलौज कर बिहारी होते तुम लोगों को पीटते कहते हुए वीडियो आया सामने। ओवरलोड गाड़ियों से टिमर लगा खनिज जांच चौकी के सामने 2 किलोमीटर तक गिट्टियों से रोड पर चलना हुआ दोभर, जिसकी न्यूज कवरेज करने के बाद जब खनिज जांच चौकी टिमर लगा के कर्मचारियों से बात करने की कोशिश की तो न्यूज में सच्चाई न आ जाए कि डर से पीताम्बर यादव व उनके एक बाहरी व्यक्ति जो दोनों शराब के नशे में टुल थे न्यूज कवरेज करते वक्त गाली गलौज के साथ सारंगढ़ थाने आऊंगा तो तुम लोगों को बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूं कहते हुए अंदर चले गए। इसके बाद हमारे पत्रकारों ने 112 को सूचना दी जहां शराब के नशे में टुल नगर सेना वन के साथी को समझाया। जब नगर सेना ने नहीं सुनी उसके बाद हमारे पत्रकारों की टीम ने खनिज विभाग के माइनिंग इंस्पेक्टर उमेश भार्गव को सूचना दी गई जहां तत्काल संज्ञान लेते हुए रायगढ़ से खनिज जांच चौकी टीमर लगा पहुंच कर 2 हाईवा जिसमें 4-4 टन ओवरलोड और 2 ट्रैक्टर में लालेज की कार्रवाई भी तत्काल आकर माइनिंग इंस्पेक्टर द्वारा की गई है। अब बताइए जब हम गलत रहते तो हमारी सूचना में खनिज इंस्पेक्टर द्वारा क्यों कार्रवाई की गई? अगर गलत रहते या शिकायत गलत रहती तो कार्रवाई होती ही नहीं। जब सब सही मिला तब जाकर कार्रवाई हुई और गाली गलौच धमकी सारंगढ़ थाने में आऊंगा देख लूंगा कहा गया। सभी की वीडियो के साथ हमने खबर प्रकाशित भी की। हमने शाम को उसी दिन थाना सारंगढ़ में लिखित रूप से शिकायत भी की जिससे हम सब भयभीत एवं डरे हुए हैं। क्या पता पहुंच वाले वर्दीधारी कहीं भी फंसा सकते हैं, जिसमें निष्पक्ष जांच कर हमें न्याय दिलवाए। नगर सेना पीताम्बर यादव व उनके एक साथी का वीडियो भी देखें। सर क्या कुछ कार्रवाई किया गया और किस पे कार्रवाई किया गया? हाँ आज मेरे को सूचना मिला सीमा लगन जांच नाका में गाड़ी ओवरलोड और बिना रॉयल्टी का पार हो रहे करके, तो उसी सूचना के आधार पे मैं तुरंत आने की कोशिश किया और पहुंचा हूँ। तो मौके पे 2 हाईवा था जिसमें खनिज भरा हुआ है और रॉयल्टी उसमें था, लेकिन 20 टन का रॉयल्टी था और उसको मेरे द्वारा तौलाया गया जिसमें 4-4 टन ओवरलोड पाया गया है, मतलब 4 टन का रॉयल्टी कम था, तो मेरे द्वारा उसको जब्त करके नाका में अभी इसको सुरक्षित रखे गए हैं। और साथ ही 2 ट्रैक्टर जिसमें ईंट भरा था उसमें भी रॉयल्टी नहीं था, उसको ऊपर भी कार्रवाई किया गया है। जो खनिज अधिनियम है उसके तहत अवैध परिवहन का केस दर्ज किया गया है और इसको अग्रिम कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारी महोदय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। गाड़ी इसके टिमर लगा सुनील कुमार अग्रवाल के नाम से दर्ज है, ऐसा बयान वाहन चालक के द्वारा बताया गया। उमेश भार्गव माइनिंग इंस्पेक्टर जोहार छत्तीसगढ़, दिनेश ज्वाली सारंगढ़ रायगढ़।